नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, टुडे बिग ब्रेकिंग न्यूज एमपी यानी आज की मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबर है। इन दो नामों को उप मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प प्रदेश नेतृत्व को दिया है और आज ये 28 मंत्री ले सकते हैं शपथ। मध्य प्रदेश के समस्त लोग देखें क्या आपके क्षेत्र से कोई मंत्री बन रहा है या नहीं। हम पूरी लिस्ट देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्षेत्र से कोई मंत्री बन रहा है या नहीं। तो चलिए पूरी खबर विस्तार जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में आज सुबह 11 बजे 28 मंत्री लेंगे शपथ। नए चेहरों को मिल सकता है मौका। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मध्य प्रदेश में 3 दिन चला मंथन। शिवराज 2 दिन दिल्ली में भी रहे। बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रभारी राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार यानी आज होने जा रहा है। इसमें शिवराज सिंह के पिछले मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरों, सीनियर विधायकों और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, यशोधा राजे सिंधिया, विजय साहा के साथ नए नामों को भी मौका दिए जाने पर सहमति बन गई है। शपथ कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। बताया जा रहा है कि पुराने चेहरों में पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, जालम सिंह पटेल और सुरेंद्र पटवा को लेकर सहमति नहीं बनी। लिहाजा इनके नामों पर देर रात तक असमंजस बरकरार रहा। वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। केंद्रीय नेतृत्व से मिले कुछ निर्देशों के साथ प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे बुधवार को भोपाल पहुंचे। इसके बाद सीएम निवास में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी सहस्त्रबुद्धे और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच तमाम उलझनों पर बातें हुईं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पूर्व में यह विचार था कि मंत्रिमंडल की संख्या सीमित रखी जाए, लेकिन 28 मंत्री बनाए जाने और 5 मंत्री पहले से होने के बाद अब मंत्रिमंडल में सिर्फ एक पद ही रिक्त रहेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के लिहाज से मुख्यमंत्री के साथ 34 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिस्ट। इस लिस्ट में भाजपा के 16, इनमें से 7 पुराने और 9 नए चेहरों को मिलेगा मौका। तो नंबर 1 पर गोपाल भार्गव, 2 पर भूपेंद्र सिंह, 3 पर यशोदे राजे सिंधिया, 4 पर विजय साहब, 5 पर जगदीश देवड़ा, 6 पर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, 7 पर विश्वास सारंग, 8 पर प्रेम सिंह पटेल, 9 पर इंदर सिंह परमाल, 10 पर उषा ठाकुर, 11 पर ओम प्रकाश सकलेचा, 12 पर भारत सिंह कुशवा, 13 पर रामकिशोर कांबरे, 14 पर मोहन यादव और 15 पर अरविंद भदौरिया। चलिए अब जान लेते हैं सिंधिया खेमे से 9 और कांग्रेस से भाजपा में आए 3 मंत्री बनेंगे। सिंधिया खेमे से पहला नाम है महेंद्र सिंह सिसोदिया, दूसरा प्रभुराम चौधरी, तीसरा प्रद्युमन सिंह तोमर, चौथा इमरती देवी, 5 नंबर पर नाम है राजवर्धन सिंह, 6 पर ओपीएस भदौरिया, 7 पर गिरिराज दंडोतिया, 8 पर सुरेश डाकर रावटखेड़ा और 9 पर है ब्रजेंद्र सिंह यादव। इनमें से यानी कांग्रेस से पहला है हरदीप सिंह डंग, दूसरा बिसाऊ लाल सिंह और तीसरा ऐंदल सिंह कंसान। चलिए अब जानते हैं उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पर। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद का मुद्दा भी नहीं सुलझा है। शिवराज सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। अगर भार्गव को मंत्री बनाया गया तो सीता शरण शर्मा को दोबारा विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी अब तक सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया है। सूत्रों का कहना है कि हाईकमान ने सिंधिया खेमे से कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उप मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प प्रदेश नेतृत्व को दिया है, मगर इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। तो दोस्तों, जैसे ही ये शपथ लेते हैं या नहीं लेते क्या होता है, पूरा अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप बने रहें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।